आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर बात करने वाला आपका भी कीपैड पे अगर कीपैड शो नहीं हो रहा है या फिर कीपैड पे बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर यही से बात करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में घंटी का ऑप्शन आए तो उसे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक ऐप्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद मैनेज ऐप्स पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शंस दिखेगा थ्री डॉट, तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे शो ऑल ऐप्स पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो भी कीबोर्ड होगा वो आपको सर्च करना होगा, तो यहाँ पे देखना होगा। तो हमारा ये वाला कीबोर्ड है, और हो सकता है आपका कोई और कीबोर्ड हो, यानी कि जीबोर्ड भी हो सकता है गूगल का। तो आप नीचे की तरफ जाते जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे कोई भी आपको वॉलपेपर दिखेगा, तो मतलब आप कीबोर्ड दिखेगा, तो उसको है क्या करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये वाला कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फोर स्टॉप करेंगे, उसके बाद डेटा क्लियर कर देंगे यहाँ पे, कैच ए फाइल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेटा क्लियर का ऑप्शन दिखेगा, और ये हमारा डेटा क्लियर हो चुका है। स्टोरेज पे जाएंगे तब दिखेगा डेटा क्लियर का ऑप्शन, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप अपने प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। अब हम चेक करते हैं हमारा प्रॉब्लम फिक्स हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब जो प्रॉब्लम है वो फिक्स होता है कि नहीं होता है। तो इस पर क्लिक करके आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो प्रॉब्लम वो फिक्स हो गया। पहले आप देख सकते थे कौन सा कीबोर्ड आ रहा था, अब कौन सा आ रहा है, अब काफ़ी कूल भी हो गए। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।